नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया और देश के सबसे अमीर शख्सियत कहे जाने वाले मुकेश अंबानी अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई स्थित 27 मंजिला एंटीलिया में रहते हैं। यूं तो मुकेश अंबानी के इस आलीशान महल को लेकर सोशल मीडिया पर खबरें छाई रहती हैं। इन्हीं में से एक खबर ये बताती है कि एंटीलिया से निकलने वाले कचरे को बाहर नहीं फेंका जाता है, बल्कि उससे बिजली बनाई जाती है। मुकेश अंबानी एंटीलिया में अपनी पत्नी नीता, बच्चों और मां के साथ रहते हैं। एंटीलिया दुनिया के सबसे महंगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में से एक है। एंटीलिया में लगभग 600 नौकर काम करते हैं। ये एक ऐसा घर है जो तेज भूकंप के झटकों को झेलने की भी क्षमता रखता है और उसके बाद भी शान से खड़ा रह सकता है। जाहिर है, मुकेश अंबानी के घर को लेकर अलग अलग तरह से खबरें वायरल होती रहती है। इन्हीं में से एक खबर ये कहती है कि मुकेश अंबानी के घर से जो कचरा निकलता है उससे बिजली बनाई जाती है। साल 2017 की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि घर से बड़ी संख्या में जो कचरा निकलता है उसको एंटीलिया के बाहर नहीं फेंका जाता है, बल्कि घर के अंदर ही एक प्लांट लगाया गया है जिससे बिजली को बनाया जाता है। हालांकि बिजली पूरे एंटीलिया के काम तो नहीं आ पाती है, लेकिन थोड़ी बहुत मदद जरूर कर देती है। देखिए, यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं और ना ही मुकेश अंबानी के परिवार की तरफ से कभी भी इस तरह का कोई बयान सामने आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर या कहें कि इंटरनेट पर ये जानकारी बहुत सारी वेबसाइट्स पर मौजूद है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा।